गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ. सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 6, दैट इज जर्नी ऑफ फूड. हम जर्नी ऑफ फूड के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था अबाउट प्रिपेयरिंग सॉइल, सोइंग सीड्स, वीडिंग, यस, एंड इरीगेशन, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हार्वेस्टिंग प्रोसेस. बेटा, फार्मिंग प्रोसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें बीज बोए जाएंगे, सीड्स डाले जाएंगे, है ना. देन वीडिंग की जाएगी, जो भी अनवांटेड प्लांट्स होंगे जो उनके साथ कॉम्पिटिशन कर रहे हैं इन देयर न्यूट्रिशन, उनको किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट इरीगेशन, के प्लांट्स को कैसे वाटरिंग करनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर मतलब इरीगेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें वाटर करना चाहिए. देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए, है ना, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको, न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे उनको प्रोवाइड कराने के लिए हम फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट वी हैव ग्रोन द क्रॉप. हमारा क्रॉप जो है वो फुली ग्रोन हो चुका है, मेच्योर हो चुका है. नाउ वी नीड टू हार्वेस्ट इट. यस, हार्वेस्ट करना है हमें. हार्वेस्ट का मतलब होता है हमें अब उसको कटिंग करनी है. ओके, तो हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मेच्योर्ड. हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मेच्योर राइप क्रॉप्स. ठीक है, जो पक चुके हैं, मेच्योर क्रॉप्स हैं, उनको कटिंग और गैदरिंग करना, मतलब उनकी कटिंग करना और उनको इकट्ठा करना जो होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. इसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं. ठीक है, द क्रॉप मस्ट बी हार्वेस्टेड एट द राइट टाइम टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ईल्ड. अगर हमें सबसे ज़्यादा ईल्ड चाहिए, मतलब मैक्सिमम ईल्ड चाहिए, अच्छा ईल्ड चाहिए, ईल्ड का मतलब होता है जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो मतलब हमें क्रॉप में से जो अनाज मिलेगा, अगर वो हमें अच्छे अमाउंट में चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हमें उसको राइट टाइम पे हार्वेस्ट करना पड़ेगा, सही टाइम पे हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी. ठीक है, क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सिकल और मशीन्स. तो क्रॉप को हम या तो सिकल की हेल्प से, मतलब जो हसिया वगैरह होता है ना उसकी हेल्प से हम उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर मशीन आता है, हार्वेस्टर आता है, उसकी हेल्प से उसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है. ओके, पहले टाइम में लोग मैन्युअली हार्वेस्टिंग करते थे, अब बहुत कम हो गया है मैन्युअली करना, है ना, सिकल की हेल्प से अब बहुत लोग कम करते हैं. नेक्स्ट है आपका थ्रेशिंग. बेटा थ्रेशिंग होता है, थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप. आपने जो क्रॉप ऑब्टेन किया है, आपका जो क्रॉप है उसमें प्लांट्स हैं ना बेटा, बहुत सारा वेस्ट है, तो उस क्रॉप में से आप अपना ग्रेन जो निकालोगे, जो अनाज निकालोगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं, है ना. जो भी आपका क्रॉप था उसमें से आप अपना ग्रेन अलग करोगे, है ना, अपना अनाज अलग करोगे, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग. इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और बाय बुलोक ट्रैम्पलिंग अपॉन दैम. तो ये बेटा दो तरीके से हो सकता है, मशीन्स की हेल्प से हो सकता है, थ्रेशर्स आते हैं, है ना, थ्रेशर्स की हेल्प से हो सकता है, या फिर बुलोक्स जो होते हैं, जो बुल होते हैं ना, बैल होते हैं, उनको अलाउ करा जाता है, जो क्रॉप है उसके ऊपर वो लोग मूव करते हैं, जो बुल्स हैं उनको ऊपर मूव करते हैं, तो जो भी क्रॉप है वो अलग हो जाता है फ्रॉम द सॉरी जो भी ग्रेन है वो क्रॉप में से अलग हो जाता है. ओके, तो ये पहले प्रोसेस ऐसा किया जाता था, नाउ डेज थ्रेशर की हेल्प से ही थ्रेशिंग की जाती है. इट इज़ ऑल्सो डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप इन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर इट. या फिर क्या कर सकते हैं बेटा, पूरा क्रॉप जो है उसको ग्राउंड के ऊपर डाल दिया जाए और फिर आप उसके ऊपर मूव करो, तो जो भी ग्रेन होगा वो क्रॉप में से अलग हो जाएगा. तो इस तरीके से भी थ्रेशिंग की जा सकती है, बट ये जो है ये ट्रेडिशनल मेथड से पहले ऐसे किया जाता था, नाउ डेज थ्रेशिंग की थ्रेशर की हेल्प से ही किया जाता है. नेक्स्ट है आपका विनोइंग. विनोइंग जो है, इट इज़ डन टू सेपरेट हस्क फ्रॉम सीड्स बाय ड्रॉपिंग देम फ्रॉम हाइट. विनोइंग का मतलब होता है बेटा, जो भी आपने ग्रेन ऑब्टेन किया, आपको जो भी अनाज मिला है उसमें बहुत सारा वेस्ट होगा, हस्क होगा, भूस वगैरह निकलता है ना, जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, उसके छिलके निकलते हैं, तो उस वेस्ट को अलग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड एज विनोइंग. और विनोइंग बेटा कैसे किया जाता है, जो ग्रेन है उसको हाइट पे से, मतलब ऊँची हाइट पे से लेके उसको गिराया जाता है, तो जो हवा है, हवा की हेल्प से जो हस्क होता है, हस्क जो होता है वो लाइटर होता है वेट में, है ना, उसका लाइट वेट होता है, तो वो क्या होता है, वो बेटा हवा में उड़ जाता है और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं. तो इस तरीके से जो भी कचरा है, जो भी उसमें वेस्ट है, वो अलग हो जाता है. ओके, सीड्स बीइंग हैवियर फॉल ऑन द ग्राउंड व्हाइल द लाइट शाफ्ट फॉल सेपरेटली एंड विंड ब्लोज इट अवे. तो वही मैंने आपको बताया, ग्रेन को ऊपर से डाला जाता है तो ग्रेन जो है वो नीचे गिर जाता है और हस्क जो है वो विंड के साथ उड़ जाता है. नेक्स्ट है आपका स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स. बेटा हमें ग्रेन मिल गया, है ना,
पूरा हमें जो भी ग्रेन था वो हमें मिल गया, हमारा हार्वेस्टिंग हो गई है, थ्रेशिंग हो गई है, विनोइंग हो गई है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें जैसे ही ग्रेन मिले तो हम उसको तुरंत मार्केट में बेच सकते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही तो उसको बेचा जाएगा ना, या फिर जो भी है इंडस्ट्रीज़ में बेचा जाएगा, जो भी करा जाएगा, बट उससे पहले उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रेन्स की जो स्टोरेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन, उसको स्टोर करने से पहले उसको सन में ड्राई किया जाता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रह जाएगा तो बेटा उसमें इंसेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, इंसेक्ट्स पैदा हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, ख़राब हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसको ड्राई करने की ज़रूरत पड़ती है। द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन टू गनी बैग्स, फिर जो क्लीन ग्रेन्स हैं जो साफ़ कर लिए गए हैं, उनको जो सुखा लिया गया है, उनको गनी बैग्स होते हैं ब्राउन वाले जो बैग्स होते हैं जिनको बोरा बोलते हैं ना, तो ब्राउन वाले बैग्स में उनको डाल दिया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू गोडाउन्स नोन एज ग्रेनरीज, और फिर उनको गोडाउन्स में भेज दिया जाता है स्टोर करने के लिए, है ना। गोडाउन्स होते हैं जिनको ग्रेनरीज बोलते हैं, तो वहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है। दे आर ड्राई कूल प्लेसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, ठीक है। तो ये जगह कैसे होते हैं बेटा, ये ड्राई प्लेसेस होती हैं, ड्राई कूल मतलब जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किए करके रखा जाता है वो ड्राई होनी चाहिए, सूखी जगह होनी चाहिए, वहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कूल होना चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, है ना, और रैट्स इंसेक्ट्स बर्ड्स वगैरह वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा बेटा, हमारा जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हाउ वी गेट फूड ग्रेन्स। अब जो ग्रेन्स मिले हैं हमें, जो ऑब्टेन किए गए हैं, जो फार्मर्स ने ऑब्टेन किए हैं, वो हम तक कैसे पहुँचते हैं। तो फार्मर्स जो होते हैं दे सेल देयर क्रॉप टू द होल सेलर्स इन द मार्केट, वो मार्केट में जाके होल सेलर्स को अपना जो भी ग्रेन होता है वो बेच देते हैं। शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फूड ग्रेन्स फ्रॉम दीज होलसेल मार्केट्स, फिर जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जाके ये जो ग्रेन्स होते हैं वो मार्केट में से खरीद लेते हैं। वी बाय गुड, फिर हम शॉप पे जाके और वो जो भी ग्रेन्स होते हैं वो शॉपकीपर से खरीदते हैं, है ना। द फूड ग्रेन्स बॉट बाय अस आर ग्राउंड इन फोर मिल्स, जो भी हम ग्रेन्स खरीदते हैं फिर हम उनको चक्की पे ले जाते हैं ना, आटा पिसवा लेते हैं, तो मिल्स में ले जाके आटा पिसवाया जाता है और फिर हम उसको खाते हैं। तो इस तरीके से हमें जो हमारा खाना है वो मिलता है, और इसी को हम बोलते हैं जर्नी ऑफ फूड। तो ये हमारा जर्नी ऑफ फूड कंप्लीट हो गया है। मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो भेजूंगी कल, आप उसको देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।